guys, here is the stuff which I received from a Big Basket and I don't know why people are not getting these stuff. And although ये जो पानी जो है मैंने इसमें डिटॉल मिलाया हुआ है एंड इसलिए मैंने इन सारे सामान को इसमें डाला हुआ है. तो हेयर इज दी कर्ड दी टेट्रा पैक ऑफ मिल्क प्लस दी अदर स्टफ विच आई ऑर्डर फ्रॉम बिग बास्केट एंड हेयर आर दी हेयर इज दी बनाना एंड द ग्रेप्स इन दी पैकेट. तो आप इस तरीके से इसको धुल सकते हो एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट गेटिंग अवेलेबल. गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल. सो दिस इज कृतिका एंड यू आर वाचिंग किट्टू चैनल. सो आज एक हफ्ते बाद पूरा मैंने व्लॉगिंग काइंड ऑफ वीडियो स्टार्ट करने का ट्राई किया है एंड लाइटिंग का इशू हो सकता है गाइस क्योंकि एक लाइट इधर लगी एक लाइट उधर लगी है तो अलमारी वगैरह भी रखी हुई है. प्लस यू गाइस हैव सीन आई एम हैविंग टी राइट नाउ. सो अभी मैं जो है सोकर उठी हूँ. टाइम जो है वो 5 o'clock हो रहा होगा आई बिलीव. यस टाइम जो है वो 4:48 हो रहा है. इसमें फोकस करने में भी प्रॉब्लम होती है. सो टाइमिंग जो है दैट इज 4:48 ऑलमोस्ट 5 o'clock राइट नाउ एंड आई थॉट टू वेक अप अर्ली बाय 2-3 इन बिटवीन 2 to 3 o'clock. And guys, today is Saturday basically. So I have been working. You guys know that I do night shift. So मेरा जो time है वो सुबह 2 बजे का होता है log out करने का. And मैंने 2 बजे log out किया. Then I clean my house. सारे सफाई वगैरह करना मतलब झाड़ू पोछा वगैरह करना. And then उसके बाद फिर थोड़ा बहुत खाने पीने का देखा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है. थोड़ा सा किचन साफ किया. किचन जिन्होंने देखा है मेरा प्रीवियस वीडियोस तो मेरा किचन जो है वो बहुत छोटा सा है. अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को जाके देख लीजिएगा एंड लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चीज़ की रहती है. मेरे चैनल लिंक भी रहती है इंस्टाग्राम की भी लिंक रहती है एंड मेरी ईमेल आईडी भी रहती है. इसके अलावा कुछ लिंक्स जो हैं वो भी मैं शेयर कर देती हूँ ताकि इट वुड बी इजियर फॉर यू ऑल टू चेक माय प्रीवियस वीडियोस इफ यू रियली वांटेड टू गो एंड चेक देम. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस देयर इज एन इशू विद इशू इन द सेंस कि पीपल आर नॉट गेटिंग द ऑर्डर्स फ्रॉम बिग बास्केट बिकॉज यू गाइस हैव नॉट सीन माय प्रीवियस वीडियो इन विच वन ऑफ द वीडियो wherein I have received my first order from Big Basket and I showed how I clean my items or the products or the grocery items which I received from Big Basket. I used to clean it in the Dettol water and if I receive any fruits or vegetables, I used to put them in the water mixing with the help of salt. I used to put salt in the water and keep them for 2 to 3 minutes and then I wash them. And for Dettol as well as same in a bucket I take a full जो उसका ढक्कन होता है full cap of Dettol liquid in the water and then I wash it. If you haven't seen it and I don't know why people are not getting the order or the slot specifically available on Big Basket but I do get it. I used to I am a person who used to work at night so I do believe कि लोगों को जो जो रात में जगते हैं देर तक तो उनको इस तरीके से यहाँ पे जो है ये जो लाइन आप देख रही हो यहाँ पे जो है वो स्लॉट्स वगैरह आ जाते हैं यहाँ पे. पर आपको क्या करना है कि आपको लाइक अगर आप शाम में ही जग रहे हो या 11-12 बजे तक आप जग रहे हो रात में तो प्लीज जो भी ऑर्डर्स है जो भी आपको आइटम्स मंगाना है वो पहले से ही ऐड करके रख लो अपनी बकेट में लाइक कार्ट में ताकि आपको बाद में ऐड करने में प्रॉब्लम ना हो. क्योंकि जितनी देर में आप ऐड करोगे ना उसको उसका स्लॉट अवेलेबल होने के बाद तो गाइस आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ कुछ आइटम्स आपको नहीं मिलेंगे या जो स्लॉट आप स्पेसिफिकली चाह रहे हो कि उस स्लॉट में आपको आइटम या प्रोडक्ट जो है वो रिसीव हो तो कभी कभी फुल हो जाता है. तो उसके अलावा इनके स्लॉट्स होते हैं 7 से 10:30 बजे का फिर 10:30 से शायद 12 बजे का फिर 12 से 1:30 1:30 से 3:30
3:30, 4:30 ऐसे ऐसे स्लॉट्स होते हैं इनके, दो दो ढाई ढाई घंटे के. तो एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट बिग बास्केट इज की दे यूज टू डिलीवर योर प्रोडक्ट और दी आइटम्स ऑन टाइम. दे आर एक्चुअली ऑन टाइम इन दिस लॉकडाउन सिचुएशन ऑल्सो. दे आर एक्चुअली ऑन टाइम बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर यूज बिग बास्केट टू एंड आई हैव एक्सपीरियंस द सर्विस ऑफ बिग बास्केट. एंड इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन वेर इन यू need not to go out and you can order stuff from Big Basket and it's a very good option too. तो स्लॉट्स का गाइस यही रहता है कि मैंने अपना थर्ड स्लॉट ऑर्डर किया था. थर्ड स्लॉट मैंने इसका वीडियो भी आपको मतलब बनाया हुआ है छोटा सा क्लिप, तो मैं इस वीडियो के एंड में इस वीडियो के स्टार्टिंग में ऐड कर दूंगी. वेर एन आई हैव केप्ट माई ऑल दी रिसीव्ड आइटम्स इन द बकेट फुल ऑफ वाटर विद दी मिक्स विद डेटॉल एंड द अदर वन वॉज मिक्स विद सॉल्ट. आई डोंट नो मैंने फ्रूट्स ही मंगाए थे मतलब बनाना एंड ग्रेप्स, तो वो मैंने आई गेस नहीं दिखाया होगा, बट मैंने डिटॉल के पानी में उसको भिगो के रखा था, वो मैंने दिखाया हुआ है. बट गाइस ये करना होता है कि पहले से आप ऑर्डर किया, आपको जो भी आइटम थे वो पहले से ऐड कर लो अपने कार्ट में एंड देन आप चेक कर लो सुबह 3-4 बजे के बीच में, विच इज द बेस्ट टाइम वेर इन जिसके स्लॉट्स हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं. ओवर टाइम शायद होता है क्योंकि एक बार मैंने नोटिस किया था 3:00 के अराउंड जब मैंने अपना सिस्टम शट डाउन किया एंड मैं अंदर रूम में आई, तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ कि उस टाइम 3:35 भी हो रहा था मॉर्निंग में आई बिलीव एंड मतलब 2-3 मिनट पहले या 5 मिनट पहले आप कह सकते हो मैंने देखा तो स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थे. 5 मिनट बाद जब मैंने देखा तो स्लॉट्स एकदम से अवेलेबल हुए. सुबह मॉर्निंग का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट होता है 7 AM to 10:30 AM वही उनकी स्टार्टिंग टाइम है. तो अगर आप जग रहे हो तो आप सुबह सुबह 3-4 बजे आप ऑर्डर एक बार चेक कर लो, आपका कार्ट फुल होना चाहिए विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि काफी सारे आइटम जब आप सेम टाइम पे ऐड करते हो तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं एंड आपकी जो डिलीवरी है वो 24 आवर्स की डिलीवरी कर दी है इन्होंने. तो अगर आप आज की डेट में सुबह मॉर्निंग में 3:00 के अकॉर्डिंग अगर अपना स्लॉट या ऑर्डर करते हो तो नेक्स्ट डे आपके स्लॉट्स के अकॉर्डिंग वो आपको डिलीवर कर देते हैं विच इज अ वेरी गुड थिंग. And they do call you and they do also mention in the message which you will receive कि उसमें जो भी आइटम्स है उसके लिए कैरी बैग रखिएगा ताकि कॉन्टैक्ट न रहे उस पर्टिकुलर बंदे से, बिकॉज कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग लाइक अ हेल लाइक अ ह्यूज लाइक मतलब व्हाट शुड आई से इट इज स्प्रेडिंग एवरीवेयर दीज डेज. इट इज बड़ी 5th of April also today. तो मतलब तो आपको वो उस कॉन्टैक्ट में ना आए, इसलिए वो आपको कहते हैं कि आप एक पैकेट या एक कैरी बैग बड़ा सा लेके जाएं जब वो आपको ऑर्डर देने आए. तो ये इसी तरीके से आपको करना है. तो गाइस अगर आपको बाहर नहीं जाना है, आप चाहते हो कि आपका ऑर्डर आप बिग बास्केट से ऑर्डर कर सकते हो, कुछ ऐसी वेबसाइट से ऑर्डर कर दो लाइक फ्लिपकार्ट इज ऑल्सो आई गेस स्टार्टेड डिलीवरिंग दी ग्रोसरी आइटम्स टू एवरीवन, तो आप फ्लिपकार्ट भी ट्राई कर सकते हो. बट फ्लिपकार्ट में आई बिलीव मैंने वन ऑफ माई फ्रेंड हैज यूज फ्लिपकार्ट, तो उसने फर्स्ट एक्सपीरियंस अपना किया था. तो दैट इज कि फ्लिपकार्ट का आइटम ऑर्डर किया था बट वो 2-3 दिन या 3-4 दिन में आया था, आई डोंट नो. बट वो ये है कि वो सेम डे या 24 आवर्स में डिलीवरी नहीं करेंगे, 48 to 72 आवर्स में आप डिलीवरी करेंगे. दैट इज 2 to 3 डेज अगर आपको अर्जेंसी, अगर आप चाहते हो कि आपका ऑर्डर आज आपने किया तो बेयर मिनिमम कल तक वो आ जाए, तो आई गेस बिग बास्केट इज द बेटर ऑप्शन वेर इन यू कैन यू हैव टू बी बस एक्टिव ऑन दैट बिकॉज यू हैव टू चेक ऑल दी ऑर्डर्स ऑल दी स्लॉट्स which you want your order to be delivered on that particular time slot. So, वो आपको चेक करना होगा. And this is it, मुझे बिग बास्केट के लिए यही कहना था बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, थर्ड टाइम मैंने अपने ऑर्डर रिसीव किए. बट मेरी यही रिक्वेस्ट रही कि अगर जो लोग बिग बास्केट यूज नहीं कर पा रहे या करते भी हैं तो अपना ऑर्डर पहले से ही ऐड करके रख लो जो जो आइटम आपको चाहिए, ताकि जब आपके स्लॉट्स एकदम से अवेलेबल हो तो आप अपने आइटम को सीधे आपको कार्ट में चेकआउट करके आपको ऑर्डर प्लेस करना है. बस दैट्स इट. एंड अभी मेरी चाय भी आधी रखी है कि ठंडी हो गई है. एंड गाइज आई डोंट नो व्हाट विल आई कुक टुडे. अगेन इट्स चैलेंज, इट इज बीन अ चैलेंज फॉर मी फ्रॉम पास्ट अ वीक दैट व्हाट शुड आई कुक और व्हाट शुड आई नॉट कुक बेसिकली, क्योंकि अकेले रहती हूँ एंड
नहीं समझ आता कि अकेले बंदे के लिए क्या बनाया जाए बेसिकली, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कि क्या बनाया जाए क्या ना बनाया जाए. एंड यही सब है, बट देखते हैं क्या बनाना है. प्लस अभी घर की सफाई तो ऑलरेडी हो ही रखी है, 5 o'clock हो रहा है, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, देन नहाएंगे, देन उसके बाद सोचेंगे कि क्या बनाना है. बट मैं सोच रही हूँ कि कढ़ी बनाऊँ, मतलब मन है मेरा कढ़ी बनाने का. मेरे को दही का भी पूरा पैकेट पड़ा हुआ है जो कि मैंने बिग बास्केट पर गैन मंगाया है गाइस, मैं वही सोच रही थी. एंड उसके अलावा गाइस आप लोग बताइएगा कि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो जो है, जो मैंने अपने हेयर केयर रूटीन काइंड ऑफ वीडियो जो है शेयर किया था, जो कि मैं बेसिकली अपने हेयर्स पे यूज करती हूँ, मेथी सीड्स का पेस्ट या मेथी दाना, टू ग्रो माय हेयर्स विथ लॉन्गर एंड टू रिड्यूस हेयर फॉल एंड ऑल ऑफ दैट. तो मेरा फोन बज रहा है, आई एम सो सॉरी. तो ऑल ऑफ दैट, तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज गाइस देख लीजिएगा जाके, किस तरीके से आप अपने बालों की केयर कर सकते हो घर पे. तो लॉकडाउन सिचुएशन है तो बहुत अच्छा बेस्ट टाइम है अपनी अपनी चीज़ों को टेक केयर करने का. तो यही सब चीज़ें मुझे कहनी थी गाइस, एंड नथिंग मच टू से, नथिंग मच टू ऐड इन दिस वीडियो स्पेसिफिकली. एंड दीज डेज इफ यू गाइस हैव सीन मी, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक व्हाई आई एम हिंदू एंड इट इज नॉट येट कम्प्लीटेड बिकॉज आई कुडंट गेट दैट मच टाइम. टाइम है बट स्टिल बाकी और चीज़ें भी रहती हैं. तो यही सब चीज़ें हैं, एंड उसके अलावा अपनी क्लीनिंग करना सब करना तो मेरा काम रहता ही है. तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, एंड कल के वीडियो में मिलते हैं कढ़ी के साथ में. बट इस वीडियो को मैं इतने ही पे एंड करूंगी क्योंकि वीडियो जो है मेरा थोड़ा लंबा हो जाएगा. तो कढ़ी जो है वो मैं मे बी आपको नेक्स्ट अपने व्लॉग में आपको दिखा दूंगी कि मैंने किस तरीके से बनाई है. दैट विल बी द सेकंड टाइम आई विल बी मेकिंग कढ़ी फॉर माय सेल्फ. फर्स्ट टाइम मैंने बनाई थी तो बहुत अच्छा टेस्ट किया था, तो इस टाइम मैं थोड़ा वैसे ही बनाऊंगी. एंड गाइस प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एंड जो लोग ऑलरेडी देख रहे हैं तो प्लीज कंटिन्यू शोइंग दैट लव टू मी एंड टू माई चैनल. एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक बिग बास्केट बिकॉज इट इज द इजिएस्ट वे टू गेट योर स्टफ डिलीवर्ड एट योर होम इंस्टेड ऑफ एनी हासल. नीड नॉट टू गो आउट, यू विल गेट एवरीथिंग अवेलेबल ऑन बिग बास्केट इंक्लूडिंग एवरी सिंगल थिंग. You not to go out. Just be careful that whenever you receive your order from the person or the big basket delivery boy, need not to come into contact with that particular person. And that is all for today. And thank you so much for watching. Love you all.